दोस्तों, मैं आपको उन भैया से मिलवाने वाला हूँ जिन भैया ने ना जिम्मेदारी उठा ली है सारे के सारे यूथ को हेल्दी खाना खिलाने की। तो पाजी, क्या हाल है आपके? सर बहुत अच्छा है। मेरे को एक बार ये बताओ यार, आपने कैसे सोचा कि यार हेल्दी खिलाना है? ये देखते थे क्रीम बटर घी। मैं घर पे ही रैप बनाता था ना, मेरे को राजमा चावल खिलाने थे ना क्रीम बटर खिलाना था, तो मैंने छोटे से ही शुरुआत करी थी। मतलब लोग कहते थे भैया घास फूस क्यों खिला रहे हो, अच्छा। चिकन वगैरह ऐड कीजिए, थोड़ा लगता था यार कहाँ फंस गए। एक टाइम आया कि लोग वही लोग आके अब खाते हैं। मैं आपको आज लेटस रैप खिला रहा हूँ, इसमें चार तरीके के लेटस होते हैं, सर्दियों में और बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपने टॉर्टिया रैप लिया, और जो टॉर्टिया रैप आपने लिया भैया, ये होममेड है। इसमें लोग कहते हैं मैं घिया नहीं खाऊंगा, अच्छा ये खा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं घिया नहीं खाऊंगा, आपने घी के जूस में मिला कर ये बनाया वो घर में, ठीक है। तो ये केल लीव है, अच्छा, और ये रेड लेटस के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ना आपको बहुत बर्गर दिखा लिया, पिज्जा दिखा लिया, मोमोज दिखा लिए, बट आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले बहुत ही हेल्दी फूड। अब इसमें डालेंगे वेजेस। वेजेस में कौन कौन सी आपने मिक्स करी? सर जितनी मेरे पास है सब है, जितनी वहाँ पे सारी देखी आपने सारी मिक्स कर दिया है? सारी है, और इसमें से कोई ऐसी वेजेस नहीं है जो लोग नहीं खाना चाहते हो। ब्रोकली खाना चाहते हैं, जुकीनी खाना चाहते हैं, बेल पेपर खाना चाहते हैं, कुकुम्बर, टमाटो, इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल आपने रैप्स में खाई होंगी यार, प्याज टमाटर खीरा कैप्सिकम बस। नॉर्मल रैप्स आपने खाई होगी, प्याज टमाटर खीरा बस। याद हो गया मेरे को, मगर यहाँ पे आपको भाई सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स मिलने वाली है। वैसे रोल का प्राइस क्या रहता है? सर ये 180 का है, ठीक है, और ये 140 का है। जो लेटेस्ट वाला है वो 180 का है, ये वाला 140 का है। हाँ जी, तो मतलब जो आप वेजीज ये सारी काट के रखते हो, पहले इसको सॉटे कर लेते हो, और जो सॉटे करते हो सॉटे भी नहीं कहते इसे, इसे सिर्फ हीट करना होता है। नॉर्मल हम इंडियन में गर्म खाना पसंद है इसलिए, नहीं तो रॉ वेजिटेबल भी लोग खाते ही है। इसमें ड्रेसिंग, ये मस्टर्ड ड्रेसिंग है, ये स्वीट मस्टर्ड है, ये गार्लिक डिप है, ये केचप डाले रेड चिली थी नहीं, ये सर हल्का सा केचप डालना होता है, ठीक है, थोड़ा टेस्ट में कई मतलब बिटर ना निकल जाए कोई सैलेड लिए, तो इसलिए आप थोड़ी सी रेड केचप डालते हो, थोड़ा सा उसका टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाए उसे। ये मतलब जो ग्रीन वाली होती है कड़वी नहीं निकलती है, थोड़ी ये हो सकती है, थोड़ा केल भी हो सकता है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। सर करेला खाते हैं, नीम खाते हैं, ठीक है, फायदे देते हैं, जो कड़वी है स्वाद होगी, मतलब स्वाद कहने का मतलब फायदा देगी, हेल्दी होगी। मेयोनीज ऑप्शनल है, पूछ लेता हूँ मेयोनीज डालनी नहीं डालनी, लोग मना नहीं करते हैं, वो आदत हो गई ना मोमोज का, खा खा के बस चुकी है। एक दिल्ली वालों के अंदर दो चीज़ें बस चुकी है, एक रेड चटनी मोमोज की और एक मेयोनीज। तो आप भी बता दीजिए क्या डाल लो यार, हमसे भी नहीं रहा जाएगा बिना मेयोनीज के। तो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। जैसे कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है ना, तो इस स्टॉल के पीछे भी ना एक मैम का हाथ है, वो है भैया की वाइफ। हम कैसे हो आप? मैम की तबीयत खराब है, मैम बता रही थी, बट फिर भी आई है आज हेल्प कराने। तो कैसे मैनेज करते हो यार ये सुबह पहले घर पे और फिर शाम को यहाँ पे आके? कर लेती हूँ, कर लेती हूँ, आदत हो गई है यार। वैसे ना ये हमारे इंडियन में औरतों की बहुत ज्यादा पावरफुल, मैं पावर कहूंगा, कि भाई पहले घर भी मैनेज करना और फिर आके शाम को स्टॉल भी मैनेज करना, बड़ा थक भी जाके करना, फिर रात को भी जाके करना, तो बहुत ज्यादा थक जाते होगे। हां थकती तो हूं। तो भाई फाइनली हमारा रैप हो चुका है रेडी। सबसे पहले ना इसका प्रेजेंटेशन देखो, इसको पूरा तुम अच्छे से देखो भाई। मतलब मैंने जब इसको देखा तो एक गुलदस्ता नहीं होता उस तरीके का है, बट फर्क इतना है वो फूलों का होता है और ये है खाने का। 80 रुपीज़ से रैप स्टार्ट हो जाते हैं, 180 रुपीज़ तक है। और भाई इस काउंटर पे जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, वो सारी सारी हेल्दी मिलने वाली है आपको। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। वैसे तो इतना बड़ा है कि इसको थोड़ा सा बिना गंदा हुआ इंसान नहीं खा सकता भाई, इतनी सारी तरीके की इसके अंदर सब्जियाँ डली है ना, मुझे कोई याद भी नहीं है कौन कौन सी डली है, कहाँ से खाऊँ। सॉसेस का इतना सही फ्लेवर आ रहा है, और कोई भी ऐसी सॉस नहीं डली जो ज़्यादा दिखा रही हो भाई। किसने सोचा था कि आप लौकी को मिक्स करके आप टॉर्टिया रैप बना सकते हो? भाई भैया का ना इनोवेशन एक नंबर का है, और बहुत सारे तरीके के आपको यहाँ पे रैप मिलने वाले हैं। भैया मेरे को बता रहे थे कि एक जो इनका ये वाला फ्लेवर है इसके अंदर बीट रूट का भी है, वो पिंक कलर का होता है, और ये सारी चीज़ें ना भैया घर पे बना के लाते हैं, वीट का बना हुआ है फ्रेश। अगर तुम लोगों को इसको एंजॉय करना है तो तुम लोग आ जाना 7 मंजिला मंदिर तिलक नगर के मार्केट में, आज हम लोग खड़े हैं। टाइमिंग्स की बात करो तो शाम को 4 बजे भैया लगाते हैं, रात को 10:30 तक मिल जाते हैं। मैं अपना रैप एंजॉय करता हूँ, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो जल्दी से अपने उन दोस्त का शेयर कर दो जो जिम जाते हैं, जो जिम फ्रीक है, कि भाई हेल्दी चीज़ का ऑप्शन तिलक नगर की मार्केट में आपको मिलने वाला है। आओ और इसको एंजॉय करो।